इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वर्चुअल मशीन में जो वीएम हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था उसमें कैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक आईएसओ इमेज चाहिए विंडोज 7 की या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी आईएसओ इमेज आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से आईएसओ इमेज डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जाकर आप इसे अपनी आईएसओ इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले डाउनलोड की हुई है, ये देखिए इस तरह की फाइल है विंडोज 7 की। तो चलिए हम अपने वीएमवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, ठीक है, तो विंडोज 7 की मशीन बनाई थी हमने, और इसमें अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो हम करेंगे सीडी और डीवीडी के थ्रू। ठीक है, तो सीडी और डीवीडी के थ्रू करेंगे। मैं डीवीडी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कनेक्टेड डिवाइस स्टेटस आ रहा है कि एक कनेक्टेड आ रहा है और एक आ रहा है कनेक्ट एट पावर ऑन, कि मतलब जब भी मैं पावर ऑन करूँगा तो हमारी जो डिवाइस सीडी ड्राइव होगी वो कनेक्टेड कनेक्ट हो जाएगी हमारी मशीन के साथ। ठीक है, तो कनेक्शन यूज़ फिजिकल ड्राइव, कि अगर मेरी जो मेरे फिजिकल मशीन में जो ड्राइव है डीवीडी की, अगर उसमें से आप डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो या यूज़ आईएसओ इमेज फाइल, अगर मैं मेरे पास डीवीडी है तो मैं क्या करूँगा, यूज़ फिजिकल ड्राइव को यूज़ करूँगा अपनी वर्चुअल मशीन में विंडो इंस्टॉल करने के लिए। और अगर मेरे पास आईएसओ इमेज है तो मैं क्या करूँगा, यूज़ आईएसओ इमेज फाइल पर क्लिक करूँगा, ब्राउज़ करूँगा उस फाइल को। ठीक है, तो वो मेरी फाइल थी डेस्कटॉप पे विंडोज 7 आईएसओ के फोल्डर में, इसे ओपन करूँगा और उसके बाद ओके। ठीक है, अब मैं इसे पावर ऑन करूँगा वर्चुअल मशीन को। तो ये देखिए कि जो विंडोज 7 की फाइल है वो लोडिंग लोड फाइल होने लगी है, विंडोज लोडिंग फाइल आ रहा है ना। तो ये देखिए आप विंडोज देखिए डीवीडी डिवाइस स्टेटस अब क्या आ रहा है, कनेक्टेड, कि मैंने जब मशीन को मैंने ऑन किया तो वो कनेक्ट हो गया, डीवीडी राइटर जो था हमारा वर्चुअली वो अपने आप कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए कि विंडो लोड होने लगी है, आप चाहें तो स्क्रीन को यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल लैंग्वेज चुनूंगा अपनी यू इंग्लिश को। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड आर टू। तो यहाँ से आप अपना एडिशन चुन सकते हैं कि आपको किस विंडो को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 होम बेसिक करनी है, प्रोफेशनल करनी है, विंडोज 7 अल्टीमेट और x86। x86 का मतलब कि 32 बिट है करनी है या 64। x64 का मतलब है कि आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, या x86 का मतलब कि या 32 बिट का। तो मैं अपने सिस्टम पे विंडोज 7 अल्टीमेट x64 यानी कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, आई एग्री टू इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड, इंस्टॉल करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद कि विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, अगर आप विंडोज 7 की 7 को अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको यूज़ करूँगा। तो अगर
कस्टम एडवांस अगर आप इंस्टॉल ही विंडो को करना चाहते हैं तो कस्टम एडवांस पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने 30 GB की ड्राइव बनाई थी और यहाँ पर 30 GB की ड्राइव हमें टोटल साइज जो शो हो रहा है 30 GB का शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी पार्टीशन करूँगा, एक 20 की बनाऊँगा और एक 10 की बनाऊँगा। ठीक है, 20 की अप्लाई। ठीक है, एक 20 की पार्टीशन बन गई और एक मेरे पास जो 9.8 GB की पार्टीशन बन गई। अप्लाई करते हैं इसे और अब मैं इसमें अपने विंडो को इंस्टॉल करूँगा इस ड्राइव में, पार्टीशन में, तो इसे मैं नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए हमारी जो विंडो की फाइल्स थी वो कॉपी होने लगी हैं। तो जब तक ये विंडो इंस्टॉल होती है मैं अपने वीडियो को पॉज करता हूँ, तो इंस्टॉल होने के बाद देखेंगे कि हम इसमें कैसे आगे सेटिंग इसकी करनी है। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो 7 जो थी वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इसे नेम देते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और आप चाहें तो इसे पासवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आस्क मी लेटर करेंगे, टाइम सेट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। आप होम नेटवर्क में देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो विंडो 7 थी वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है
और ये डेस्कटॉप आपको शो हो रहा है इंस्टॉल होने के बाद। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने उस अपनी मशीन क्रिएट की, उसके बाद उसमें हमने विंडो इंस्टॉल की। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी फिजिकल मशीन में अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें उस मशीन्स के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, लाइक कि ग्राफिक के ड्राइवर हो गए और नेटवर्क के ड्राइवर हो गए, जो साउंड ड्राइवर हो गए, ठीक है। तो VMware में क्या करेंगे कि हम इसके VMware टूल्स इंस्टॉल करेंगे, लाइक कि एक जैसे ड्राइवर की तरह ही वो काम करेंगे, जैसे हम फिजिकल मशीन में हमारे ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें VMware में क्या होता है कि VM में जाएंगे, ठीक है, तो इंस्टॉल VMware टूल्स। तो क्या है कि हम इंस्टॉल करेंगे VMware टूल्स को, वो एक ड्राइवर्स की तरह ही काम करते हैं कि अगर हम उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो, जो कि हमें आपको ये माउस माउस की परफॉर्मेंस और डिस्प्ले साउंड की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से नहीं मिलेगी अगर आप VMware टूल इंस्टॉल नहीं करोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, VMware टूल्स इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, इंस्टॉल और रन प्रोग्राम, यस, ठीक है। तो ये देखिए VMware टूल जो है इंस्टॉल होने लगे, इसमें कोई 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है, तो हम वेट करते हैं उतनी देर इंस्टॉल होने तक। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे VMware टूल हैं वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं फिनिश में क्लिक करता हूँ, और तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अपनी एक वर्चुअल मशीन में कैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, VM टूल्स कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने VMware में कैसे एक नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क के रिगार्डिंग टॉपिक देखेंगे कि कैसे नेटवर्क की सेटिंग करनी है, कैसे उसमें स्विच क्रिएट करना है, और कैसे हमने उसे अपने फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि नेटवर्क के बारे में अब जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।